अपना इतना प्यार देने के लिए। टुकड़े टुकड़े कर दो शोल्डर के। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। गुड गुड वेरी गुड। बोल इतना बोला नहीं जाएगा आज। बाहर निकाल दो एक एक पुर्जा। लोग दिखा रहे हो आजकल बहुत। हाय वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो गाइस जिम आ गया हूँ बट कल रात फीवर था। कल मतलब पूरा दिन फीवर में मैंने ऑफिस में भी काम करा। और कल मैं जब अपना बाइसेप कर रहा था तो प्रीचर कॉल पे मैंने थोड़ा पोजीशन गलत ले ली, तो उस वजह से मेरे नेक पे यानी कि पीछे कॉलर पे जर्क आ गया। बट अभी थोड़ा सा मसाज कराया है, थोड़ा सा मैंने अपना फास्ट रिलीफ भी लगाया है, तो थोड़ा सा रिलैक्स है ताकि मैं आज शोल्डर ही करूँगा। वर्कआउट करने का मूड नहीं था तो भाई मेरे को उठा के ले कि नहीं चल यार और मैं भी कर लूँगा। तो ठीक है कोई बात नहीं, अब आ गए हैं जिम तो एक अलग ही टाइप की एनर्जी आ जाती है। जिम में आते ही मैं घर में बैठा था, थोड़ी देर धूप में बैठा था क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो लो जा रही थी, तो मैं थोड़ा धूप में बैठा, विटामिन डी लिया, तो उस वजह से मेरे को थोड़ा सा इतना एनर्जी हो गया, इतना पॉजिटिविटी आ गई कि मज़ा आ गया। तो ठीक है, आप लोग भी अगर कभी ऐसे लोगों पर फील करते हो तो मेरे हिसाब से आप लोग ना थोड़ा सा धूप में बैठ जाएँ, 5 मिनट के लिए बैठे, आप लोग बहुत अलग लेवल की एनर्जी फील करोगे अपने बॉडी में, अपने शरीर में। और उसके बाद में मैं जैसे जिम आया, जिम आते आते मेरी जिम मेरे घर से कम 12-13 किलोमीटर दूर है, तो मैं गाड़ी में सोते सोते आया हूँ, बिल्कुल लो था क्योंकि पेन भी था कॉलर में। बट जैसे ही जिम में आया, देखा माहौल, देखा मशीनें, देखी डंबल, देखा वो जिम की खुशबू जो होती है डंबल्स की, मशीनों की, वो एक अलग लेवल का फील दे देती है। और दिमाग जो आपका यहाँ होता है एकदम से हाई हो जाता है, तो मज़ा अलग है। अभी फुल ऑन एनर्जी है शरीर में, बॉडी में, दिमाग में, अपना कंसंट्रेशन जो लूज हुआ था वो फिर से एकदम सेंटर पे आ गया कि नहीं आप लोगों से बात करनी है। क्योंकि यार हो जाता है इतना सब कुछ, मतलब लाइफ में चलता रहता है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 8-10-12 घंटे ऑफिस के लिए, फिर उसके बाद सोने को भी नहीं मिलता है। मेरे को इश्यूज जो भी ये हो रहे हैं, मसल पेन वगैरह के, ये इसलिए हो रहे हैं क्यों, क्योंकि मेरे को रिलैक्स नहीं मिल रहा है। बट एक चीज़ अच्छी है, मेरी एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो रही है, दूसरा मेरे को प्रोटीन अच्छा मिल रहा है, तीसरा मेरे को जो मैं पूरा दिन का जो रूटीन है वो बहुत अच्छा है। सोने को मेरे को 1-2 घंटा कम मिले चलता है, चलेगा अभी फिलहाल के लिए, आगे अच्छा अच्छा हो जाएगा सब कुछ। और सॉरी यार आज फिर से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ क्योंकि बाहर बहुत शोर हो रहा है, तो शोर में आप लोगों को फिर डिस्टर्बेंस होगा तो यार वो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे आज आ गया। और तो थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए देखो फीवर में भी मैं आप लोगों के लिए आ जाता हूँ, और रेगुलरिटी बनी रहे मेरी वीडियो पे, आप लोगों की भी और मेरी भी कनेक्शन बना रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, तो कभी भी मेरी वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, क्योंकि मैं इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सेशन और फिटनेस से रिलेटेड एक्सरसाइजेस के टिप्स मैं देता रह रहा हूँ। तो चलो ठीक है, चलते हैं अब अपना वर्कआउट करेंगे, पहले अपना वार्म अप करेंगे, उसके बाद फिर मेन वर्कआउट पर जाएंगे, गुरु जी जो जो बताएंगे वो चीज़ें करेंगे आज। वो हाँ। वेट बढ़ा के लेंगे, रेपुटेशन कम, वेट ज़्यादा है ना, वेट ज़्यादा हाँ। तो गाइज मेरा जो फर्स्ट वाला जो सेट था उस पर वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट मैं उसको डाल दिया है जैसे कि आपने देखा होगा। तो ये मेरा सेकंड सेट है, क्यों लाइट वेट करेंगे, कॉलर में बहुत ज़्यादा पेन है, तो गुरु जी ने बोला रेप आज कम एक्सरसाइज करेंगे, बट करेंगे जो भी इंटेंस और अच्छे से करेंगे, जिस मसल के कर रहे हो उसको तोड़ के नहीं चलेंगे, बट उसको प्रिपेयर अच्छे से करेंगे, ट्रेन अच्छे से करेंगे। तो पहला सेट 12:30 से लिया था, अब लेंगे 15 से,
जरूरत होगी तो हेल्प लेंगे, गुरुजी पीछे खड़े हैं। ठीक है ना? चलो हाँ उठाओ, ऐसे नहीं ऐसे सीधा रखो, तो बात लाओ ऊपर उठाओ, ऊपर डंबल ऐसे उठाओ। अच्छा उसे टाइट करो, उठाओ ऊपर को उठाओ ऐसे कैसे। हाँ ये खींचो, पूरा खींचो, टुकड़े टुकड़े कर दो शोल्डर के, बाहर निकाल दो एक एक पुर्जा। हाँ चार और, बहुत बढ़िया अमित भाई, दो और शाबाश, एक और आखिरी है, मजा आ गया साहब। तो ये तीन सेट लेने ना इसके, तीन सेट लेने, अब हम वेट बढ़ाएंगे, अब वेट बढ़ाएंगे और ड्रॉप करेंगे अपने रेपिटेशंस। फीवर में भी आ रहे हैं यार। चलो ठीक है गाइस, बोल इतना बोला नहीं जाएगा आज, सिर्फ वर्कआउट दिखाएंगे। आप देखते रहो टेक्निक इसके, तीन सेट ले लो, रेपिटेशन आप अपने हिसाब से लेना, 10 से 15 के बीच में इसी रेंज में रखना, तीन सेट लेना अगर आप, और हर सेट पर अपना वेट बढ़ाते रहना और रेपिटेशन ड्रॉप करते रहना। अब हम करेंगे साइड लैटरल। ओके ऐसे, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये आपके ट्रैप्स और डेल्ट को बढ़िया करने के लिए, आप भी अपनी रूटीन में ऐड करेंगे आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, और बहुत अच्छे से परफॉर्म करें और सेफली परफॉर्म करें। तो वेट कितना लेंगे? वेट लेंगे हम पहले 7.5 किलो, वेट लेंगे 7.5, क्योंकि आज अपनी हिम्मत दिख ही रही होगी, तो 7.5 से लेंगे। तो गाइज ये अपना फर्स्ट सेट था लेटरल पे, साइड रेज लेटरल पे, आपके फ्रंट और आपके साइड लेटरल के लिए आपका जो रियल डेल्ट होगा उसको भी ट्रेन करेगा। तो आप ये अपने ऐड ऑन करें अपने रूटीन में, आज बोला नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, तो आप लोगों को पता लग रहा होगा, बट शोल्डर फिर भी ज़बरदस्त तरीके से पंप हो रहे हैं। तो शुक्र है मेरा माइक चल रहा है, कल मैंने चार्ज नहीं करा था। अब इसके तीन सेट लेंगे और तीन सेट में वेट मैक्स आज 10 जाऊंगा, 12 नहीं करेंगे, 10 जाऊंगा, 10 भी पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा, पर लगेगा क्यों नहीं लगेगा। तो 10 पे जाएंगे, 10 का कर देते हैं अभी डन। वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे होल्ड करें, होल्ड एक सेकंड का, होल्ड होल्ड। तो ये दूसरा सेट था मेरा, 10 पे लिया है, 10 पे ही लूंगा तीसरा सेट भी। और शोल्डर देखो यार गाइस, आज कुछ प्री वर्कआउट मील भी नहीं लिया, प्री वर्कआउट भी नहीं लिया के आज धीरे धीरे करेंगे, बट जिम में आते गुरुजी पेल का तो सिस्टम ही है, पेल ना है तो कोई बात नहीं, बट आप भी अपने रूटीन में ऐड ऑन करें, अच्छे इफेक्ट्स आएंगे, अमेजिंग इफेक्ट्स आएंगे, जिसको भी अपनी शोल्डर कॉलर साइड फ्रंट हेड जिसको भी ट्रेन करना है अपने शोल्डर का, ये वाली एक्सरसाइज ऐड ऑन करें, एक नंबर आएगा। तो ठीक है, और कंडीशन बताना भाई कि कैसी चल रही है अभी, डन। तो गाइज अपनी जो थर्ड एक्सरसाइज होगी फ्रंट रेज रॉड पे लेंगे, आपके फ्रंट हेड को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि डंबल पे लेना और कभी कभी मैं प्लेट पे ले लेता हूँ तो उससे भी अच्छे इफेक्ट्स आते हैं, तो कुछ ना कुछ चेंज करता रहना चाहिए, कुछ ना कुछ बदल के वेरिएशन देनी चाहिए। हाँ तो मसल को कि वो कंफ्यूज हो जाए, हाँ तो एक ही एक्सरसाइज करते रहोगे तो मसल एक ही तरीके से मूवमेंट रहेगी, तो बार बार एक ही मूवमेंट में कितनी एक्सरसाइज करोगे, थोड़ा डिफरेंट वेरिएशंस में करेंगे, थोड़ा डिफरेंट मूवमेंट में करेंगे, डिफरेंट एंगल से करेंगे, तो मसल्स उसी तरीके से आपको रिएक्ट करती है। हाँ यस, मेहनत कर रहे आप उस, हाँ मिलेगी और थोड़ा पेशेंस का गेम है, डेफिनेटली मिलेगी आपको रिजल्ट। मैं भी यार देखो कितने सालों से कर रहा हूँ, अब जाके मुझे थोड़ा थोड़ा लगता है कि हाँ मेरे को रिजल्ट्स आ रहे हैं मेरी बॉडी में, बाकी आप लोग बताना कि रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेहनत ऐसी चल रही है कि इतना पेन लेने के बाद भी अगर इतना अच्छा रिजल्ट ना आए तो फ़ायदा नहीं है, पेन बहुत है लाइफ में। तो ठीक है यार, बने रहो, अपनी रेगुलर कंटिन्यूटी बना के रखो, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स।
चलो अब करते हैं अपने तीसरे एक्सरसाइज की तरफ, चलते हैं। रॉड पर लेंगे फ्रंट रेज, तीन सेट लेंगे, तीन सेट में एटलीस्ट 12 रेपिटेशंस तो लेने ही लेने हैं, एटलीस्ट 12 रेपिटेशंस। उसके बाद में जो भी आपके रेपिटेशंस निकलेंगे वो आपके बोनस पॉइंट समझो, या क्योंकि जो लास्ट के जो तीन से चार सेट निकलते हैं ना, यानी कि तीन से चार रेपिटेशंस निकलते हैं, आपके मसल को बहुत अच्छे तरीके से तोड़ता है, पेन देता है आपको, और वहाँ पर अगर आपने कनेक्ट कर लिया अपने पेन को अपने एक्सरसाइज से अपने मसल से, तो डेफिनेटली यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स ऑन योर मसल के हाँ भाई अब मेरे को पेन लेने की वो कैपेसिटी आ चुकी है। तो चलो चलते हैं अपने थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। रिस्ट आपके सीधे रहेंगे, ठीक है, बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप और पोस्चर बढ़िया। चलो स्टार्ट करो और बस यहाँ तक, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया शाबाश, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा और कर लो, वेरी गुड, टाइट करके, दो रैप और शावर, उठाओ उठाओ, हाँ गुड गुड वेरी गुड। तो ये अपना फ्रंट रेज रॉड पे लिया है, इसके रेपिटेशन कितने लिए, 12-13 रेपिटेशन मारेंगे, फिर 10 रैप, फिर 8 रैप, ऐसे हम बढ़ा बढ़ा के करेंगे, जिससे ठीक है अच्छी मसल्स है। तो ठीक है यार, ये वाली आज आई डाउन कर ले अपनी एक्सरसाइज में, ज़्यादा बोलने की हिम्मत है नहीं, फटी हुई है। तो गाइज अपनी जो तीसरी एक्सरसाइज होगी वो होगी मशीन पे फ्लाई, बैक फ्लाई लेंगे आपके कटिंग के लिए, आपकी शेप के लिए, आपके ब्रॉडनेस के लिए, आपके शोल्डर्स के कॉलर के लिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप ये अपने रूटीन में एड ऑन ज़रूर करें ताकि आप लोग भी उन सब रिजल्ट्स को ले पाएं अपने बॉडी में। तो ठीक है करके दिखाते हैं, मैंने इसके ऑलरेडी दो सेट ले लिए हैं, तीसरा सेट दिखाऊंगा। वेट मैंने इस पे लिया है 32 kg का, और रेपिटेशंस मैं इस पे लूंगा कम से कम आठ रेपिटेशंस लेंगे, होल्ड करके चलेंगे मसल को अच्छे से, स्ट्रेच और स्क्वीज करके चलेंगे ताकि अच्छे से रिजल्ट्स मिले आप लोगों को आपके कॉलर पे, और देखते हैं आप किस तरीके से इसकी पोजीशंस रहेगी। इस तरीके से आप इसकी पोजीशन ले लें, हाथ एकदम चेस्ट अप, यहाँ तक आप थोड़ा सा होल्ड करके रखें, यहाँ पे होल्ड लें, पूरा स्ट्रेच करें, बैप, 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 होल्ड, होल्ड, बैप, बैप, बैप। तो इसके मैंने 7-6 रेपिटेशन जितने भी निकाले हैं। आज एक्सरसाइज इतनी कुछ खास हुई नहीं, बट स्टिल मैंने अपनी पूरी एक्सरसाइज करी है ताकि जो मसल ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहे। फीवर मेरा कल उतर चुका था तो इसीलिए मैं एक्सरसाइज आया हूँ, बट वो फीवर का जो थोड़ा फीवर का फ्लेवर रहता है बॉडी में वो है, बट ठीक है हो जाएगा। आप लोग फीवर में एक्सरसाइज ना करें, मैं यही आपको सलाह एडवाइस करता हूँ, आप लोग मत करना। हाँ, और वायरल भी चल रहा है बहुत ज़्यादा आजकल, मौसम चेंज हो रहा है, तो अपना ध्यान रखें और वर्कआउट ज़रूर करें, क्योंकि जो आपकी स्वेटिंग होती है उसमें काफ़ी सारे गंदे बैक्टीरियाज निकाल देते हो आप लोग। अच्छा खाना खाएं, क्लीन और नीट खाना खाएं, ताकि आप लोग बीमार ना पड़ो और अपने फैमिली का ध्यान रखो। तो ये आज का सेशन था मेरी तरफ से शोल्डर वर्कआउट के लिए, एंड आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कॉमेंट एंड शो योर लव, जैसे कि आप लोग दिखा रहे हो आज तो बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है आप लोगों से। और वीडियो स्किप मत किया करो, क्योंकि आप लोग अच्छे अच्छे पॉइंट्स और बहुत जो कि वीडियो के जो बहुत ज़्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हो आप वो मिस कर देते हो, तो वीडियो स्किप मत किया करो। और मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, एंड थैंक यू सो मच अपना इतना प्यार देने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, एक नए सेशन के साथ, एक नई एक्सरसाइज के साथ और कुछ नई टेक्निक्स के साथ। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।